आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। वाहन चालक से चाकू की नोक पर अड़ीबाजी का मामला दर्ज, 3 अपराधी हिरासत में। सनावद नगर के पुलिस थाने में एक वाहन चालक ने 4 अज्ञात युवकों पर चाकू दिखाकर मारपीट और लूटपाट करने की घटना का आवेदन दिया। वहीं पुलिस ने 3 अपराधियों को हिरासत में लेकर इस मामले में कार्रवाई शुरू की। वाहन चालक अशोक पिता शिवा निवासी नया से गांव जिला खरगोन ने बताया कि वर्तमान में मैं सनावद में गाड़ी चला रहा हूं। मैं खाली गाड़ी लेकर इंदौर खंडवा रोड पर पंचर बनवाने जा रहा था। रात 3:30 बजे MRF शोरूम के पास पंचर बनाने के लिए गाड़ी रोक नीचे उतरा, तभी 4 लोगों ने आकर पहले बीड़ी मांगी और अचानक चाकू निकालकर मारपीट करने लगे। 4 लोगों में से एक ने मेरे गले पर चाकू रख दिया और 2 लोगों ने थप्पड़ मारे और होंडा शोरूम के सामने खाली प्लॉट पर ले गए, जहां मेरे पास से 2020 रुपए छीन लिए। मुझे वहीं बैठा दिया और उनके 2 साथियों ने गाड़ी के पास जाकर बैटरी निकाल कर ले गए और मेरे पास से मोबाइल भी छुड़ा लिया। जाते जाते चारों डरा धमका कर कह गए कि थाने में गए तो थाने में हमारे आदमी है, थाने में जाने की कोशिश मत करना। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को हिरासत में लिया। TI MR रोमड़े ने बताया, चालक की शिकायत के बाद मौके पर लगे चीता आरक्षकों को भेजकर अज्ञात युवकों को हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई, जहां से 3 युवकों को हिरासत में लेकर मामले में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 4th आरोपी की पूछताछ कर उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।